हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर मौसकी किचन व्लॉग्स, जहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं हेल्दी, इजी और इंस्टेंट रेसिपीज। सबसे पहले आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी बधाइयाँ और इस गणेश महोत्सव पर गणेश जी के फेवरेट मोदक की रेसिपी हर एक घर पर बनाई जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गणेश जी के फेवरेट और बच्चों के भी फेवरेट इंस्टेंट स्टफ्ड मोदक की रेसिपी, जो बिना गैस ऑन किए हम बनाने वाले हैं। और ना ही इन्हें बनाने के लिए मैं मोल्ड का यूज़ करूँगी, तो विदाउट मोल्ड के इन्हें कैसे शेप देनी है, दो तरीके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए एक लाइक करना ना भूलें और चैनल में जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली और भी हेल्दी और इजी रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बिना गैस ऑन किए इंस्टेंट मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ओरियो बिस्किट का पैकेट। तो यहाँ पर मैंने एक पैकेट लिया है। अगर आपने ज़्यादा मोदक बनाने हैं तो आप ज़्यादा ही पैकेट ले सकते हैं। तो एक पैकेट से आपके 5 से 6 मोदक बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिस्किट निकाल लिए हैं। अब सबसे पहले नाइफ से आपने जो बिस्किट है उसके क्रीम को सेपरेट कर लेना है। तो सारे बिस्किट के जो क्रीम है वो हमने निकाल कर साइड कर लेने हैं, जिसका यूज हम आगे करेंगे। बिस्किट और क्रीम दोनों मैंने अलग अलग कर लिए हैं। अब सबसे पहले बिस्किट को ग्राइंडर जार में डालकर इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। बिस्किट ऑलरेडी मीठे हैं तो हम इसमें कोई एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं बिस्किट का पाउडर बिल्कुल तैयार है। इसे हम एक बड़े बाउल में खाली कर लेंगे और अब हमें इसका डो बनाना है, जिसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ दूध। तो दूध ठंडा गर्म कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा नहीं डालना है। तो सबसे पहले मैं 2 चम्मच दूध का यूज़ कर रही हूँ और इसी से हम कोशिश करेंगे डो को तैयार करने की। तो आपने 4-5 मिनट तक इसे कंटिन्यू इस तरीके से गूंथते हुए डो बनाना है, रेडी करना है, जिससे ये बाद में मोदक बनाते टाइम टूटे ना। तो हमारा डो बिल्कुल रेडी है, उसे मैंने साइड रख लिया है। और स्टफिंग के लिए जो बिस्किट का क्रीम था उसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने चॉप किए हुए काजू, बादाम, पिस्ता रखे हुए हैं, उन्हें मैं ऐड कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो ज़्यादा या कम इसकी क्वांटिटी कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें कच्चा नारियल भी डाल सकते हैं, जिससे और भी अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आपके मोदक में आएगा। तो यहाँ पर मेरी स्टफिंग भी बिल्कुल ही रेडी है। तो अब मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने हथेलियों में एक बार इस तरीके से ग्रीस कर लेना है, जिससे ये चिपके ना। अब एक छोटी सी लोई आपने लेनी है पूरी के जितनी, और उसे आपने अपने हथेलियों पर अच्छे से मसलते हुए राउंड शेप देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसे राउंड शेप दे दिया है। अब हथेली का ही यूज करते हुए या फिर अपने अंगूठे का यूज करते हुए आपने इस तरीके से इसे फैला लेना है, क्योंकि हमें स्टफिंग वाले यानी कि हम स्टफ्ड मोदक बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो ये जो है आपने ना ही ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। तो अब एक छोटी सी हम स्टफिंग की लोई बनाएंगे और इसे हम सेंटर में इसके रखेंगे। अब देखिए इसे कैसे आपने शेप देना है। तो पहले इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ फोल्ड करिए, उसके बाद हम इसमें बाहर की तरफ इस तरीके से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जितनी भी आप बना सकते हैं वो प्लेट्स आपने बनानी है। और उसके बाद सबसे टॉप में आपने पकड़ना है और इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने मोदक को शेप दे दिया है। नीचे से भी आप हल्का हल्का राउंड होना चाहिए, इस चीज का ध्यान जरूर रखिए मोदक। तो एक परफेक्ट शेप के साथ हम विदाउट मोल्ड के भी मोदक को घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और बिना गैस ऑन किए हुए एक इंस्टेंट विद इन 5 मिनट में पूरे परिवार के लिए बनने वाले मोदक की रेसिपी है, और बच्चों के लिए खासकर
फेवरेट है। तो अब मैं दूसरा भी बनाकर आपको दिखा देती हूँ कि दूसरा आप किस तरीके से इसे शेप दे सकते हैं। तो एक बार फिर मैंने यहाँ पर अच्छे से राउंड शेप में लोई बना ली है। अब इसे फिर से हम पाम और अपने थंब का यूज करके फैला लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अच्छे से ये हमारा हो गया है। अब फिर से हम इसमें स्टफिंग डाल लेंगे अपनी, और अब हमने इसे बिना कोई शेप दिए हुए नॉर्मली हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर से इसे टॉप में पकड़कर इसे घुमा लेना है, और एक जो मोदक का शेप होता है वो हमने देनी है। बाद में जो मोदक में डिज़ाइन होता है वो कैसे देना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप देखिए अच्छे से ये हो गया है। अब आपने एक फोक लेना है और इस तरीके से इसमें निशान बना लेने हैं जिससे ये बिल्कुल एक मोदक का डिज़ाइन लगेगा और कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये विदाउट मोल्ड के बनाए हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है मोदक को शेप देने का, और बहुत ही आसानी से ये बिना मोल्ड के बनकर तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसे शेप दे दिया है परफेक्ट तरीके से, और यहाँ पर हमारे मोदक जो हैं वो बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो मोदक हैं बिल्कुल ही तैयार हैं। तो आपने देखा कितने आसानी से बिना कोई झंझट के आप आसानी से ये मोदक कभी भी बना सकते हैं और अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। शेप मैंने आपको बता दिया है विदाउट मोल्ड के आप कैसे दे सकते हैं। तो चलिए इन्हें अंदर से भी देख लेते हैं ये अंदर से कैसे लगते हैं, क्योंकि हमने इसमें क्रीम और ड्राई फ्रूट की जो स्टफिंग डाली हुई थी तो मैंने इसे नाइफ से कट कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बने हुए ये मोदक हैं, और स्टफिंग डालने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से जब आप बच्चों को कट करके देंगे वो और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। तो बनाइए आसानी से इन मोदक को अपने घर पर, और बनाकर आपको कैसा लगा वो ज़रूर मुझे फीडबैक में लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों तक इजी और इंस्टेंट रेसिपीज शेयर करूँ। तो बहुत ही अच्छे ये मोदक लगते हैं और झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये था आप लोगों के लिए मोदक की इंस्टेंट रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक नहीं किया अभी तक तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरीके की रेसिपीज आप लोगों तक शेयर करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।